हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो रियल लाइफ में इसके कई एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता इसके बारे में कि कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है और एक्चुअली कोई डिवाइस है तो क्या वो इस पे वर्क कर रही है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्पीकर्स का यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है, आप जो पंखा यूज़ करते हो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और यहाँ मैंने ये भी कोशिश की है कि इस चैप्टर को मैं थोड़ा अलग वे से आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, इसके लिए आप इस बैटरी को देख सकते हो एन एग्जाम्पल। अब वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी के कई सोर्स होते हैं, बैटरीज होती हैं प्राइमरी सोर्स, और यहाँ पे हम एसी का भी यूज करते हैं जो आपके घर में आती है, तो ये सारे ही इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल्स हो गए। इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हो गया हमारा मैग्नेटिज्म जो कि मैग्नेट से रिलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाले मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, या दोनों के रिलेशन को स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब एक टाइम था जहां पे इन दोनों चीजों को एकदम अलग अलग माना जाता था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन नहीं माना जाता था। बट 1800s में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑर्स्टेड, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, या फिर जो रिलेशन था उसको उन्होंने डिस्कवर किया। चलो अभी हम लोग आयरन मैन से उसकी टाइम मशीन रेंट पे लेते हैं और चलते हैं पास्ट में, ईयर 1820 में, जहां पे हम देखेंगे कि ऑर्स्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो चलते हैं। अब यहां पे हम उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराने वाले हैं जो ईयर 1820 में सर ऑर्स्टेड ने किया था, तो चलो उसको देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हो एक सर्किट डायग्राम, और इसी सर्किट डायग्राम के ऊपर बेस्ड है हमारा एक्सपेरिमेंट। बेसिकली यहां पे सर ऑर्स्टेड ने एक बैटरी ली और उसको एक सर्किट में लगा दिया। देन यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है और उस करंट को हमने एक वायर में से पास किया, और उस वायर के पास में एक कंपास रख दिया गया, जहाँ पे उन्होंने ये पाया कि जब वायर में से करंट फ्लो हो रहा था तो वहाँ पे कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब यहाँ पे सर ऑर्स्टेड ने तो रियल कंपास का यूज़ किया था, बट हम यहाँ पे मोबाइल ऐप का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज मेरे पास रियल कंपास अवेलेबल नहीं था। ये कंपास भी एक तरह से रियल कंपास की तरह ही काम करता है, ये भी अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। एक कंपास की खासियत ये होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंपास के पास में एक मैग्नेट लाऊंगा तो ये देखो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो गया है, एक तरह से ये इसके नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ फेस करने लगेगा, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं एक मैग्नेट को जब हम किसी कंपास के पास लाते हैं तो वो कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, वो अपने नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं मूव करने लगता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस वायर पीस में कुछ करंट पास करेंगे अभी, और हम देखेंगे कि जो इफेक्ट एक मैग्नेट की वजह से एक कंपास पे होता है, एक कंपास मैग्नेट से जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वही सेम डिफ्लेक्शन जब हम इस वायर में से करंट पास करेंगे तब भी शो होगा। चलो यहाँ पे इस वायर में से अभी करंट पास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मेरा सेटअप, यहाँ पे मैंने रियल कंपास की जगह एक फ़ोन यूज़ किया है जहाँ पे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया कंपास का, और यहाँ पे मेरे पास पूरा सर्किट है, और बैटरी की जगह मैं यहाँ पे अडैप्टर का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास बैटरी होल्डर नहीं है, तो अडैप्टर से मैंने प्लस एंड माइनस टर्मिनल्स निकाल लिए हैं वायर्स के फॉर्म में। ये रेड वायर हमारा पॉजिटिव वायर है एंड ये ब्लैक वायर हमारा निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे ये पूरा सर्किट आप देख सकते हो। बस इस सर्किट में मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी है जो कि है ये बल्ब, और ये बल्ब इसलिए ऐड किया है ताकि इस सर्किट में से जब करंट पास होगा तो कहीं ना कहीं ये बल्ब ग्लो करेगा और हमें पता लग जाएगा कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ये है हमारा कंप्लीट सर्किट। अब यहाँ होगा क्या, ऑर्स्टेड ने जैसे किया था वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे, मतलब यहाँ पे जैसे ही इन दो वायर्स को टच करेंगे, इस सर्किट में से करंट फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा देखो दो चीज़ें होंगी, पहली बात तो बल्ब ग्लो करेगा ये वाला, और दूसरी चीज़ ये होगी कि इस सर्किट में से करंट फ्लो होते ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होने लगेंगी। आई होप आप लोग सेटअप तो समझ गए होंगे सारा। अब यहाँ पे इस कंपास को हम इस वायर के बस ऊपर रखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे करंट को ऑन करेंगे, मैं यहाँ पे जैसे ही दोनों पॉइंट्स को टच करूंगा इस सर्किट में से करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने टच किया सर्किट को, फिर से करते हैं, यहाँ पे सर्किट ऑफ है, और फिर जैसे ही हम यहाँ पे दोनों वायर्स को टच करेंगे यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा और यहाँ पे डिफ्लेक्शन आप साफ देख सकते हो। पहले ये नीडल नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर रही थी, अगेन फिर से सर्किट को जैसे ही हमने ऑन किया
यहाँ पे नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। सो यही ऑर्स्टेड ने एक्सपीरियंस किया था कि जैसे ही हम किसी वायर में से करंट फ्लो करते हैं वो वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है और कहीं ना कहीं हमारे कंपास में डिफ्लेक्शन आने लगता है उसकी वजह से। सो वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जिसने इस कंपास को डिफ्लेक्ट करा दिया। अब यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक और चीज़ भी की, यहाँ पे उन्होंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस मैंने इस तरह अटैच किए हैं, अगर मैं प्लस एंड माइनस यहाँ रिवर्स कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे इस निगेटिव टर्मिनल को ओपन करके मैं निगेटिव वाला साइड इधर कनेक्ट कर दूंगा और इस बार पॉजिटिव टर्मिनल मैं नीचे वाले वायर में कनेक्ट कर दूंगा, सो इससे होगा क्या कि करंट का डायरेक्शन मेरा रिवर्स हो जाएगा। सो पिछली बार नीडल हमारा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, इस बार आप लोग देखना कि नीडल का डिफ्लेक्शन अपवर्ड्स होगा। सो यहाँ पे जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारा करंट फ्लो होने लगेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट नीडल का रिफ्लेक्शन इस बार किधर हो रहा है, इस बार नीडल हमारी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। सो कहीं ना कहीं करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक बिहेवियर भी रिवर्स हो जाता है, मतलब नॉर्थ साउथ पोल रिवर्स हो जाते हैं। सो करंट अगर एक डायरेक्शन में आप भेजोगे तो वहाँ पे नीडल का रिफ्लेक्शन एक तरफ को होगा और जैसे ही आप यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स करते हो वैसे ही आपका नीडल का रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। तो यही ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया था और इसी के बाद उन्होंने रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का बहुत गहरा रिलेशन होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट से अभी हमने ये जाना कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट पास करेंगे तो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो होंगी या फिर मैग्नेटिज्म शो होगा। यानी कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट पास करने पे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो अब सवाल ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है और इस वायर में आपने कुछ करंट पास कर दिया आई, ठीक है। मैं सिर्फ वायर को यहाँ बना रहा हूँ, पूरा बैटरी पूरा सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे नहीं शो कर रहा हूँ। सो जैसे ही हम किसी वायर में से करंट को पास करते हैं उसके आसपास के एरिया में जब भी हम कंपास रखेंगे वो डिफ्लेक्ट करेगा। सो जहाँ पे भी हम कंपास को रखेंगे वो जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते आते हैं इस तरह। तो इसके घेरे में अगर हम कंपास यहाँ रखेंगे तो कंपास कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ इस तरह, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह, और इस तरह पूरा हम एक सर्किल डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, अब रियल में कोई फील्ड यहाँ नहीं पैदा होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जब भी हम कोई कंपास रखेंगे वो किस तरह डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसी को हम फील्ड के रिस्पेक्ट में समझते हैं। सो एक वायर के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है, ये हम कहते हैं। सो यहाँ पे इन फील्ड्स को हम ऐसे सर्कल्स बना के शो कर देते हैं। अब यहाँ पे एक फील्ड नहीं होती, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर फील्ड्स बनेंगे और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इन मैग्नेटिक फील्ड्स की पावर कम होती जाती है। सो यहाँ पे इन फील्ड्स का डायरेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे जब हम कंपास को रखेंगे तो किस तरफ इन फील्ड्स का डायरेक्शन होगा, किस तरफ कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, ये चीज़ पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं सो राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड्स। अब जैसे मान लो ये आपका वायर है और इस वायर में मैं मान लेता हूँ कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना राइट हैंड लेना है, उसके थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है अपवर्ड्स। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपकी जो फिंगर्स हैं वो किस तरफ को कर्ल हो रही हैं, किस तरफ को मूव कर रही हैं। तो ये आपका वायर हो गया, इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, आपने थंब को इधर पॉइंट कर दिया। सो फिंगर्स आपकी किधर कर्ल कर रही हैं, फिंगर्स आपकी इस तरफ को कर्ल कर रही हैं। तो इस वायर पे यही चीज़ लगा के देखो, वायर में करंट जा रहा है ऊपर, फिंगर्स मेरी बाहर की तरफ कर्ल हो रही हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ निकल के आएंगी। अब यहाँ पे 2D में मैंने बनाया है, बट ऐसे सोच लो ये वायर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ इस तरह होंगी। सो मेरा थंब अगर ऐसे है तो यहाँ पे फिंगर्स जिस डायरेक्शन में जा रही हैं इस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी सारी। सो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। सो अगर मान लो हमारा ये वायर है, सो इस वायर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहली बात तो इस वायर के सराउंडिंग इस तरह एक लूप बना लेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब को पॉइंट कर दो और जिस साइड आपकी फिंगर्स बाहर आ रही होंगी कर्ल कर रही होंगी घूम रही होंगी उस तरफ आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ। और यही चीज़ अगर इधर की तरफ कहें तो हमको ऐसे करो, ये फिंगर्स किधर जाएंगी, ये फिंगर अंदर की तरफ जाएंगी। सो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन। अगर मान लो यही वायर ऐसे होता इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा होता तब क्या होता, तब यहाँ पे आपका थंब ऐसे जाता नीचे की तरफ और फिंगर्स किधर की तरफ कर्ल होती, इनवर्ट्स। सो इनवर्ट्स है तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्ट्स, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड ही हो जाएगा आउटवर्ड। तो यहाँ पे आप इसको देख के आसानी समझ सकते हो कि वायर के अंदर करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। सो अभी हमने ये देखा कि एक स्ट्रेट वायर में जब करंट पास होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है। सो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर है, इसी का आपने इस तरह
सर्कुलर लूप बना लिया, तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। अब जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है और जिसको हमने लूप के फॉर्म में यहाँ बना लिया है, और यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से इसको, ठीक है, बैटरी का डायरेक्शन ये हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे करंट हमारा ऐसे हो जाएगा, प्लस से करंट निकलेगा इधर की तरफ और यहाँ पे इधर की तरफ। तो सपोज ये हमारा सर्कुलर लूप है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्कस करते हैं कैसे होगा। सपोज ये एक छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर किया, ये एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब आपका पॉइंट करेगा जिधर करंट है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये करंट आपका ऐसे जा रहा है इधर नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, तो फिंगर्स किधर जा रही हैं, फिंगर जा रही हैं अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उसका डायरेक्शन आपका हो जाएगा इनवर्ट्स, अंदर की तरफ होगा इनवर्ट्स, और अगर बाहर लूप की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आउटवर्ड्स, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपका सपोज ये कंसिडर करोगे स्ट्रेट वायर, तो यहाँ पे थंब अगर पॉइंट करोगे करंट के डायरेक्शन में सो फिंगर्स किधर जाएंगी अंदर की तरफ, और वही चीज इधर की तरफ अगर देखोगे तो थंब ऊपर पॉइंट करेगा और फिंगर्स किधर आएंगी बाहर की तरफ, तो यहाँ से फील्ड्स बाहर निकलेंगी और यहाँ पे प्लेन में अंदर की तरफ जाएंगी। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, सो यहाँ पे थंब को पॉइंट करो नीचे की तरफ, फिंगर्स कर लूंगी बाहर की तरफ, सो यानी कि यहाँ पे अगर फील्ड हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आउटवर्ड्स आपकी फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे हो जाएगा इनवर्ड्स। ठीक है, तो एक मैंने फील्ड बना दी, आप यहाँ पे और भी बना सकते हो, इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड्स हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे इसकी भी फील्ड्स बना सकते हो, और यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक तरह से यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं उनका डायरेक्शन हो रहा है इनवर्ड्स, ये इनवर्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं बाहर की तरफ ये सारी आउटवर्ड्स हैं। सो अगर हम मैग्नेट्स की बात करें, सो मैग्नेट्स में एक चीज़ होती है, देख लो जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक मैग्नेट के अंदर वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर करती हैं, ये खासियत होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके वापस से एंटर कर जाती हैं। सो ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि फील्ड लाइंस हमेशा निकलती कहाँ से हैं, नॉर्थ पोल से, और एंटर कहाँ करती हैं, हमेशा साउथ पोल में। अब यही चीज़ यहाँ के लिए सोच के देखो, सो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखोगे तो ये किधर जा रही हैं, ये आपकी इनवर्ट जा रही हैं, और यहाँ मुझे देख के क्या पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ट किधर जाती हैं, साउथ पोल में। सो अगर इस कॉइल की हम बात करें, सो इस कॉइल के इस फेस में मुझे कौन सा पोल मिलेगा, भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अंदर जा रही हैं और अंदर जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल में, सो इस तरफ मुझे मिलेगा साउथ पोल। सो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लियरली बना लूँ, तो अगर लूप ऐसा है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मेरा इस तरह है, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, यानी कि ये कैसा करंट हो गया, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। अगर क्लॉकवाइज करंट का फ्लो है तो यहाँ पे कौन सा आपका पोल फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा साउथ पोल। ऐसे आप याद रख सकते हो, अगर ये टफ लग रहा है कि जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा करंट के फ्लो का तो वहाँ पे कौन सा पोल फॉर्म होगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा। और वही चीज़ इसकी उल्टे की बात करें, अगर मान लो आपका ऐसे लूप है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सो यहाँ पे आपका कौन सा पोल फॉर्म हो जाएगा, नॉर्थ पोल, जस्ट उसका ऑपोजिट। सो एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में हमारा कौन सा पोल फॉर्म होता है, नॉर्थ पोल। सो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की फॉर्म होती है करंट के डायरेक्शन के बेसिस पर। सो अभी यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक पीस ऑफ वायर, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं सॉफ्ट आयरन तो हमारे पास नहीं है, बट हम यहाँ पे एक स्टील का स्क्रू यूज़ करने वाले हैं। सो इसी के ऊपर लपेटने वाले हैं हम इस वायर को। सो इसको यहाँ पे टाई कर देंगे इस तरह, कोशिश करेंगे ये कॉइल्स यहाँ पे इवन रहें। सो ये तैयार हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये रेडी हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हम इसका यूज़ करके देखने वाले हैं। अब जैसे ही हम इसमें से करंट को पास करेंगे ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनके रेडी हो गया है। सो अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे अपनी बैटरी से, और जैसे ही हम इसको कनेक्शन देंगे यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सो अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसको आयरन पीसेस के पास लेके जा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये देख सकते हो, और जैसे ही इसमें से हम करंट को रिलीज करेंगे यहाँ पे ये सारे पीसेस वापस गिर जाएंगे, देखना। सो ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जब तक इसमें से करंट फ्लो होगा, फिर से देख लो जैसे ही करंट हम फ्लो कर रहे हैं इसमें से, मैंने कनेक्शन दिया है तो ये अट्रैक्ट करेगा सारे पीसेस को, और जैसे यहाँ पे इस वायर को मैं अलग करूँगा यहाँ पे ये सारे पीसेस नीचे गिर जाएंगे।
सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट की यही प्रॉपर्टी होती है कि जब तक उसके अंदर से करंट को पास किया जाता है तब तक वो अट्रैक्शन शो करता है या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और जैसे ही हम उसमें से करंट को हटा देते हैं तुरंत इसमें से सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। और तुरंत भी नहीं खत्म होती है, थोड़ी देर तक ये मैग्नेटिज्म शो करता है थोड़ा थोड़ा, बट मेनली जो स्ट्रांग मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होती है वो इसमें से खत्म हो जाती है जैसे ही हम इसमें से करंट को हटाते हैं। तो क्योंकि आयरन थोड़ी देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर बचा के रखता है, थोड़ी देर तक वो शो करता रहता है मैग्नेटिज्म। सो अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह काम करता है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हो आप? तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने जो कॉयल्स यहाँ पे वाउंड किए हैं, जो तार आपने यहाँ पे लपेटा है, इसके आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, तब आपके इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब जितने पीसेस ये अट्रैक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पीसेस को भी अट्रैक्ट कर पाएगा। सो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे आप करंट का अमाउंट बढ़ा दो उससे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इस मैग्नेट की। सो देयर आर टू वेज, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो या फिर आप इसमें करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैटरीज, या फिर आप उसमें वोल्टेज बढ़ा दो तो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं बाय विच वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिर्फ ये वाला नहीं, दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो यहाँ पे इन दोनों तरीकों की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मेटल इंडस्ट्री में, बेसिकली जहाँ पे भी वेस्ट बहुत सारा इकट्ठा होता है उसमें से अगर आपको आयरन के पीसेस सेपरेट आउट करने हैं तो सेपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करोगे और ये सारे मेटल पीसेस को अपने अंदर स्टिक कर लेगा, मतलब अपने साथ स्टिक कर लेगा। और यहाँ पे इसके और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा मेटल का या आयरन का पीस उठाना है या आयरन लाइक सब्सटेंस का पीस उठाना है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से उसको चिपका के लिफ्ट कर सकते हो, और उसके बाद जहाँ पे आपको उसको लेके जाना है आप क्रेन की मदद से उसको लेके जा सकते हो। सो भारी भारी पीसेस को उठाने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, और फिर इसी कामों के लिए मेटल फर्नेसेस जहाँ पे मेटल्स को पिघलाया जाता है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, बिकॉज आप पिघली हुई भट्टी में खुद से तो मेटल उठा के नहीं रख पाओगे भारी सा, सो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं टू लिफ्ट दी मेटल्स। और अगर आपने आयरन मैन 3 मूवी देखी होगी सो उसमें एक मूवी का सीन भी था जहाँ पे आयरन मैन के ब्लड में आयरन के पीसेज होते हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करके उसकी बॉडी से वो सारे आयरन के पीसेज निकाले गए थे। तो वो तो हाइपोथेटिकल चीज़ हो गई, लेकिन बेसिकली वूंड्स में से आयरन के पीसेज को अलग करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक बड़ा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, जैसे कि आप अपने घर में स्पीकर यूज करते हो, मैं यहाँ पे एक माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, राइट? और जो डीसी मोटर्स हो गए, आपके फैन हो गए, पंखे हो गए, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। बेसिकली ये जितने भी डिवाइसेज मैंने बताए इनका जो कोर कंपोनेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके साथ साथ आपकी साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज किया जाता है टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम बात कर लेते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या क्या डिफरेंसेज हैं। सो यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो बनता है ज्यादातर स्टील का या दूसरे मेटल्स का, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बेसिकली सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है इन मोस्ट केसेस। फिर हम बात करें दोनों की स्ट्रेंथ की, सो एक परमानेंट मैग्नेट कम स्ट्रांग होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम अपने अकॉर्डिंग ज्यादा या कम स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग भी बन सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेट फॉर्म में रहेगा, मतलब हमेशा मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप करंट को वहाँ पे ऑन कर दोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और करंट को जैसे ही आप ऑफ करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में जो पोलैरिटी होगी नॉर्थ साउथ होगा वो हमेशा एक जगह ही रहता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप चेंज कर सकते हो, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे नॉर्थ साउथ वहाँ पे रिवर्स हो जाता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ साउथ हमेशा एक ही जगह पे रहता है। और यहाँ पे एक और डिफरेंस होता है कि परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड्स का स्ट्रेंथ घटाया बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वही चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स या फिर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट आप वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सो दीज आर ऑल द डिफरेंसेज बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और बाकी अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम लोग आगे भी ऐसे और वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर आप मेरा ICSE फिजिक्स सेमेस्टर 2 का पूरा कोर्स देखना चाहते हो जहाँ पे आपको बाकी सारे चैप्टर्स प्लस वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसको भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।